Hello dear students, in my yesterday's video I have given you the revision of the value ladder method, and today we will be continuing with the revision of the income method. How do we calculate this method, the steps and the precautions to be taken? So first, what are the steps to estimate national income? Because sabse pehla kaam hota hai, we have to identify producing units, producing enterprises, identify producing units, right? Let me again. Producing enterprises. Now, what are the producing enterprises? Here we are talking about the factors of production. And when we talk about the factors of production, what are the factors of production? Producers employ kis kis ko karta hai? Factors of production ko, that means land, labor, capital and entrepreneur. ठीक है, इस इसको जो है producer employ करता है. And obviously the industrial categories of the producer, primary sector, secondary sector, tertiary sector, and in all the three sectors the land, labor, capital, entrepreneur are employed. And apart from this, what they get in return? They'll get the factor payments, land we give rent, labor gets salaries and wages, capital we get interest, and an entrepreneur get the profit. So main these four things are there which are very important, which we should know that, right? And then now classifying the factor payments. Now like we have studied rent, salary and wages, interest and profit, we'll study one by one. We'll classify factor payments. Right, number one is compensation of employees. Compensation of employees. It covers the labor part, salary and wages. Now, which things comes under compensation of employees? देखो, compensation of employees is the total amount of remuneration. जो भी एक employee को मिलता है remuneration या award, emolument, तो चाहे वो cash में मिले या kind में मिले. तो इसमें हमारी कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? पहला आ जाता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, कैश में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? बेसिक पे, जीएनएस अलाउंस, बोनस, कमीशन, एचआरए, दीज टाइप्स ऑफ द अलाउंसेस व्हाट द पर्सन गेट्स. वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, काइंड के अंदर हमारा आ जाता है मेडिकल फैसिलिटीज या रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर मिल जाता है, कन्वेंस फैक्टर्स फैसिलिटी मिल जाती है, ये व्हीकल मिल जाते हैं कोई पर्सनल यूज के लिए, ये सब चीज़ें वेजेस इन काइंड आ जाती है. एंड द थर्ड थिंग विच कवर्स इन द कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. माइंड इट, इट इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट एम्प्लॉयज, राइट? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम. इसको ट्रिपल एस भी लिख देते हैं शॉर्ट में. तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए एग्जाम्पल आप कह सकते हो जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया या रिटायरमेंट पेंशन हो गई या कोई भी ऐसी स्कीम जो एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए की हो, जिसमें एम्प्लॉयर जो है कुछ डालता है, कुछ अमाउंट फंड डालता है, ग्रेचुटी हो गया. सो दीज आर फॉर द वेलफेयर मोटिव, राइट? तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि कंपेंसेशन के अंदर अगर हमारे क्वेश्चन में लिखा होता है कि एन इंजर्ड वर्कर गॉट द कंपेंसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ध्यान रहे इंजर्ड वर्कर अगर कोई है, अगर इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करी है तो उसमें वो नहीं आएगा क्योंकि उसके एम्प्लॉयर ने उसे पे नहीं किया, उसने अपना पर्सनल इंश्योरेंस ले रखा तो उसको उसे मिल रहा है, तो हम यहाँ पे उसे ऐड नहीं करेंगे. ओल्ड एज पेंशन है, आप बूढ़े हो गए, आपको पेंशन मिल गई, तो आपने कभी सर्व थोड़ी किया. रिटायरमेंट पेंशन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन का पार्ट है बट ओल्ड एज पेंशन नहीं है. रीजन भी, ओल्ड एज पेंशन में जरूरी नहीं है कि जो बूढ़ा व्यक्ति है उसने कभी सर्व भी किया है, यहाँ जिसने सर्विस प्रोवाइड किया उसी को रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी, वही रिटायर होगा, है ना? और ट्रैवलिंग अलाउंस, कई जगह भी ट्रैवलिंग अलाउंस लिखा हुआ आता है, तो बेटा ट्रैवलिंग अलाउंस हम लोग ऐड नहीं करते,
उसे हम लोग ये मानकर चलते हैं कि वो हमारी जॉब का ही एक रेगुलर फीचर, मतलब रेगुलर जॉब के अंदर ही आ जाता है, वो हमारे एम्प्लॉय का इंटरमीडिएट कॉस्ट माना जाता है कि वो ट्रैवल जो है वो अपनी जॉब के लिए ही कर रहा है, तो उसको हम अलग से ऐड नहीं करते हैं। ये पहला निपट गया हमारा लेबर का। बाकी सब जो है हमारे, चाहे हमारा रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, दीज आर द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर दो तरह की इनकम आ जाती है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड दूसरा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमारा क्या क्या रहता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में हमारा आ जाता है रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, तीन चीजें कवर हो गई। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में आ जाता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट भी फर्दर डिवाइडेड है, ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। प्रॉफिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिविडेंड, जो कि प्रॉफिट में से ही डिविडेंड पे होता है, और कॉरपोरेट टैक्स, इसको प्रॉफिट टैक्स भी कई क्वेश्चन में लिखा होता है, और द थर्ड वन इज कॉर्पोरेट सेविंग्स। कॉर्पोरेट सेविंग्स के लिए दूसरा वर्ड हो जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। दैट मींस वो प्रॉफिट जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, या फिर इसको हम और क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स। These are the part of operating surplus. Third part हमारा आ जाता है mixed income of self-employed. Mixed income of self-employed में क्या होता है? जैसे कोई भी person है, worker है, उसकी अपनी income, own income. अब देखो obviously वो लोग अपना कोई ऐसा नहीं कि खुद को वो rent देंगे अगर अपनी जगह है या खुद काम कर रहे हैं तो they'll get the salary. But production is there, services generate हो रही है. तो इस जगह पर क्या हो जाता है कि जो उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू, ओन इनकम जो है इम्प्यूटेड वैल्यू, वो हम जरूर लगा लेते हैं, जैसे खुद को ही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हो रहा है या खुद का ही ऑपरेटिंग सरप्लस का जो वैल्यू है वो सब हम ऐड करते हैं। तो इसमें हमारा डायरेक्टली क्या निकल के आता है, हमारी डोमेस्टिक इनकम पता चलती है। तो अब इसको मैं फॉर्मूला में आपको बता देती हूँ। हियर वी गेट अ डोमेस्टिक इनकम। हाउ डू वी गेट द डोमेस्टिक इनकम? When we add all the three parts, compensation of employees plus operating surplus plus mixed income, we get the domestic income. And how do we calculate the national income and NPIFC? Domestic income के अंदर जब हम लोग NFI add कर लेते हैं, जो भी net factor income from abroad है, तो we get the national income. अब जो हमें ध्यान रखने वाली चीज है, formula I think it is clear to you. अब हमें जो ध्यान में रखना है, precautions ध्यान में रखने हैं, क्या चीजें include करते हैं, क्या चीजें एक्सक्लूड करते हैं। सो प्रिकॉशंस फॉर इनकम मेथड इंक्लूडेड, क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे और क्या क्या हम एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूडेड। तो देखो, सबसे पहली चीज अगर हम बात करें ट्रांसफर इनकम की, तो ट्रांसफर मैंने आपको पहले भी बोला था वन साइडेड इनकम होते हैं, ट्रांसफर इनकम्स एक्सक्लूड होते हैं, इंक्लूड नहीं होते हैं। जैसे आप कह सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगारी भत्ता जिसे बोलते हैं, चैरिटी डोनेशन, ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप्स, सेल्स टैक्स, ये सारी चीजें जो है नहीं आती हैं इसके अंदर। ठीक है, ये टैक्सेस वगैरह भी इसके अंदर ही आ जाते हैं ट्रांसफर इनकम के अंदर, इसीलिए हम लोग उसे माइनस कर देते हैं, राइट। अच्छा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, अगर हम सेकेंड हैंड गुड्स को बेच रहे हैं तो वो हमारा जो है वो नहीं आता है। सेकेंड हैंड गुड्स इनकम पूरा ही लिख देती हूँ, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। लेकिन अगर इन सेकेंड हैंड गुड्स को बेचा गया है और जिसने बिकवाया है उसने कमीशन ली है, कमीशन ये ध्यान में रखना, जिसने कमीशन ली है वो पर्सन जो है आपको फर्स्ट हैंड इनकम दे रहा है, कमीशन और ब्रोकरेज और रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स,
और ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, उसने सेकेंड हैंड गुड्स बिकवाए हैं लेकिन वो आपको सर्विस जो दे रहा है वो तो फर्स्ट हैंड है, कमीशन या ब्रोकरेज उस पर्सन की आएगी, ठीक है। अब सेम वही इनकम फ्रॉम सेल ऑफ, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था शेयर्स एंड बॉन्ड्स। जब हम बात करते हैं इनकम मेथड की तो हम इनको इनकम लेकर चलते हैं, जब हम बात करते हैं वैल्यू एडेड मेथड की तो वैल्यू कर देते हैं, वैल्यू ऑफ सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी जो बंदा कमीशन ले रहा है इस शेयर्स और बॉन्ड्स को बिकवाने की, कमीशन और ब्रोकरेज रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स वो आएगा क्योंकि उसकी सर्विस जो है वो फर्स्ट हैंड है, राइट। विंडफॉल गेन्स, अचानक कोई लॉटरी लग गई या हमने लैंड बेच दिया, हमें उस पर बहुत मुनाफा हो गया, फायदा हो गया, विंडफॉल गेन्स क्या है, एक्सक्लूड हो जाते हैं। हॉर्स रेस, जैसे हॉर्स रेस में पैसा लगा दिया जी जीत गए, क्रिकेट में पैसा लगा दिया जी जीत गए। इलीगल इनकम्स वो नहीं आती हैं, इलीगल इनकम में जो हमारे पास पैसा आता है वो नहीं आएगा, चोरी चकारी स्मगलिंग से जो भी पैसा आएगा वो इंक्लूड नहीं होगा। जो हमने पुराने वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो लोग पे कर रहे हैं, जो हम लोगों ने गिफ्ट टैक्स पे किया या जो भी चीज़ें हमारी एक्यूमुलेटेड सेविंग्स, जो हम लोगों ने पिछले साल, उससे पिछले साल की जो सेविंग्स रखी हुई हैं, पिछले साल की इनकम है वो सेविंग है, उन सेविंग में से अगर हम लोगों ने कोई पैसा दिया है तो वो हम ऐड नहीं करते हैं क्योंकि वो इस साल के पैसे में से नहीं काउंट हो रहा, इस साल की इनकम में से काउंट नहीं हो रहा, ठीक है। एक्यूमुलेटेड मतलब इकट्ठी की हुई जो सेविंग्स है हमारे पास वो इंक्लूड नहीं होंगी, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर हम लोग पे करते हैं वो हम लोग माइनस करते हैं ना, आपको याद होगा माइनस NIT करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग ऐड नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू जो है एक्सक्लूड हो जाती है। अच्छा, इंटरेस्ट पेड बाय द प्रोडक्शन हाउस, ये ध्यान में रखना, इंटरेस्ट पेड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट, क्योंकि प्रोड्यूसिंग यूनिट अगर कोई इंटरेस्ट पे कर रही है दैट मीन उसने कोई लोन लिया है तो ऑब्वियसली उसने जो है अपने कैपिटल बनाने के लिए लोन लिया होगा, कोई प्रोडक्शन करने के लिए लोन लिया होगा, इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, तो वो इंटरेस्ट जो है वो इंक्लूड होगा। बट अगर इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर्स है, मैंने कार ली अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो नहीं आएगा, इंटरेस्ट पेड बाय कंज्यूमर्स नहीं आएगा क्योंकि कंज्यूमर्स जो है वो कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे कि कोई प्रोडक्शन हो या कोई भी आउटपुट आए। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू, जो हम लोग अभी लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा था, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, कोई पर्सन है उसने बाहर अपने घर बहुत सारे रेंट पे दे रखे हैं, उसी में से एक घर उसने भी ऑक्यूपाई कर रखा है, ओनर ने भी ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उसकी मार्केट वैल्यू हम निकाल के उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू जो है हम लोग लगाते हैं, ठीक है। प्लस जो भी हमारा जो फार्मर है, जैसे मैं बोलती हूँ कि वैल्यू, जो भी मॉनेटरी वैल्यू कह सकते हैं ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कह लो या प्राइमरी गुड्स कह लो, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था वो भी आता है, प्राइमरी गुड्स कह लो या फिक्स्ड एसेट्स कह लो, अगर एंटरप्राइज ने फिक्स्ड एसेट्स बनाए हैं वो वैल्यू जो है सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर उन्होंने यूज़ किया है, ठीक है, फॉर सेल्फ कंजम्पशन अगर ले गए हैं, अगर फार्मर अपने घर ही ले गया है खेती अपने गुड्स बनाकर, तो वो उसका इंक्लूड होगा, ठीक है। प्लस साथ में ये भी कह लो कि प्रोडक्शन यूनिट अगर कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो ऐड हो जाता है, ऑल्दो वो सैलरी कुछ ऐड नहीं कर रहे, एक इम्प्यूटेड वैल्यू जो है उसकी ऐड हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया भाई फाइनल फार्मर वाला कह लो या आप कह लो फॉर सेल्फ कंजम्पशन। इसके अंदर एक चीज़ और एक एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर मैं पढ़ा रही हूँ, मैं स्कूल में टीचर हूँ, ठीक है, मुझे सैलरी मिल रही है, वहीं पर अगर उसी स्कूल में मेरी बेटी भी पढ़ रही है, उसी क्लास में मेरी बेटी भी पढ़ रही है, तो ऑब्वियसली उससे जो मुझे पैसा मिल रहा है उसकी जो फीस है वो भी मेरी इम्प्यूटेड वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वो हमारी सैलरी के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएगा। तो और अगर लेकिन मैं उसे घर पे पढ़ा रही हूँ, एज अ मदर पढ़ा रही हूँ, तो वो हमारा इंक्लूड नहीं होगा। तो आई होप प्रिकॉशंस और द कैलकुलेटिव मेथड्स ऑफ इनकम मेथड आर क्लियर टू यू। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द रिविजन ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।